इस गर्मी के मौसम में अगर हम इमली का पानी बनाकर पीते हैं तो हम गर्मी से होने वाली बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और बचपन में तो कच्ची इमली पर नमक मिर्च छिड़ककर खाना भला किसे पसंद नहीं होगा। और इमली की चटनी, मुरब्बा, सांभर, दही भल्ला, पानी पूरी जैसे अनेक व्यंजन हर उम्र और हर वर्ग के लोग बड़ी रुचि से खाते हैं। लेकिन आज हम इमली का पानी यानी इमली पना बनाएंगे और उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वाइंडिस यानी पीलिया दूर करने में इमली का पानी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। इमली में लीवर की कोशिकाएं स्वस्थ रखने के गुण होते हैं, और गर्मी के मौसम में इमली का पानी सेवन करते हैं तो गर्म हवा की वजह से, लू की वजह से लीवर के सिकुड़ने जैसी समस्या से हम बच सकते हैं। वैसे इमली में आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से पेट की जलन, कब्ज या फिर पेट की सूजन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इमली का पानी और सेवन करते हैं तो पाचन शक्ति बेहतर रहती है, और इमली में हाइड्रोक्सी एसिड मौजूद होता है जो शरीर की फालतू चर्बी को नष्ट करता है और मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है। इसलिए इमली के सेवन से वजन भी नियंत्रित रहता है, खून की कमी पूरी होती है, हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, भूख अच्छी लगती है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। गर्मी के मौसम में रोज़ एक गिलास इमली का पानी पीना चाहिए, ताकि आप गर्मी के मौसम में गर्मी के कारण से होने वाली नाना प्रकार की बीमारियों से बच सके। और इमली का पानी बिना शक्कर के सेवन करते हैं तो शुगर भी काफ़ी कंट्रोल में यानी नियंत्रित रहती है। तो चलिए, इन फ़ायदों के बारे में तो हमने जान लिया है, और भी बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं इमली के सेवन से। तो बनाते हैं इमली का खट्टा पीठा पानी और लेते हैं जायका। इमली का पानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक मिट्टी का बर्तन, और इमली और गुड़, शक्कर, एक कटोरी शक्कर है। आप चाहें तो चीनी या गुड़ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डाली है शक्कर मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जब कोई चीज़ बनाते हैं तो तासीर ठंडी हो जाती है। और इमली पानी डालेंगे, और पानी डालकर ढक्कन लगाकर हम रात भर के लिए ऐसे इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। और जहाँ तक हो सके आप इसे बाहर आंगन या छत पर रखें, क्योंकि रात को भी गर्म हवाएं जब लगती है गर्मियों में तो ये लू के थपेड़ों से जो है एक औषधीय रूपी ये इमली का पानी तैयार होता है, जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब इसे मसल मसल कर हम इमली के जो रेसे हैं या गुठलियां हैं वो अलग कर देंगे, और ये पल्प जो है इसका अलग छुड़ा लेंगे इससे। और फिर हम एक छलनी से या कपड़े से छानेंगे इसे, ताकि इसके रेसे और बीज ऊपर रह जाए अलग, और इसका जो सारा जूस है वो सारा निकल जाए बर्तन में। तो ये पीने में तो टेस्टी होता ही है, साथ में स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसके बीज और ये रेसे हैं वो भी हम फेंकेंगे नहीं, ये भी जिनके हथेली या पाँव की पैर थली होती है उनमें जलन होती है किसी को, तो उनमें मसल सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। ये पानी अलग से हमने छान लिया है इमली का, इसमें हमने डाली है एक चम्मच काली मिर्च, काला नमक और भून कर पिसा हुआ जीरा, ये आप इसमें अच्छे से मिला दें। काली मिर्च और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं इसमें, और मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी भी मिलाई है अभी, क्योंकि मुझे खट्टा थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने चीनी मिला दी है। आप मीठा भी अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो अब ये 2 से 3 चम्मच हम इसमें इमली का जो गाढ़ा रस तैयार किया है वो डालेंगे।
और बाकी का पानी आप स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो कई दिनों तक खराब नहीं होता। अब इसमें हम ठंडा मटके का पानी डालेंगे और लीजिए बनकर तैयार है इमली का पानी, स्वास्थ्यवर्धक औषधीय रूपी इमली का पानी। ये आप गर्मी में रोज़ एक गिलास पिएं और गर्मी के कारण होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचकर रहें। तो मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।